बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तौफीक विद कुकिंग चैनल में आपका वेलकम है। आज हम मुहर्रम हराम के जो है ना उनके जो है नियाज बना रहे हैं। वो नियाज है खीर। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तकरीबन 5 लीटर दूध लिया है और तकरीबन मैंने इसमें जो है 6 जो पैकेट है खीर मिक्स के वो मैंने डाल दिए है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये खीर तकरीबन मैंने पका दी है अल्हम्दुलिल्लाह। इनको मज़ीद थोड़ा सा पकाएंगे और आप लोग देख लीजिए। पूरी तो वीडियो मैंने तकरीबन नहीं बनाई है, सिर्फ मैंने बॉयल किया है दूध और दूध के बाद मैंने जो है ना ये जो है ना खीर मिक्स डाल दिया था। और तकरीबन मैंने इसमें जो है ना आधी जो कटोरी है मैंने जो है ना मैंने चावल के आटे की डाली थी। तकरीबन आधी प्याली मैंने वो भी डाली थी अल्हम्दुलिल्लाह। और तकरीबन हाफ कप मैंने और भी चीनी डाली थी। इसमें चीनी होती है पर लेकिन मैं जो हूँ ना कम पड़ती है तो इसीलिए मैं इसमें एक्स्ट्रा जो है ना हाफ कप मैंने और डाल दिए ताकि ये जो है ना फीकी ना बने। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ये नियाज है और खैर और बरकत वाला नियाज है अल्हम्दुलिल्लाह। अपने घर में ट्राई कीजिए और घर में पकाए। और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो है ना नियाज आप लोग भी घर में दें और पड़ोस में जो है पड़ोसी जो है और मोहल्ले में अपने बांटें और सवाब हासिल कीजिए अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जो है ना रहूँ इसमें जो ड्राई फ्रूट होता है तो वो अवेलेबल आप लोगों को पता है, तो इसमें ड्राई फ्रूट जो है ना मिक्स होता है खीर मिक्स में। तो चलिए इनको अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुबह की चाय पी रहा हूँ। तकरीबन 10 बज रहे हैं सुबह आगे, तो मैं अभी चाय पी रहा हूँ और जो नियाज है वो भी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह पक रही है। तो देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन आधे घंटे में पक जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए चाय का एंजॉय करते हैं। और बारिश भी होने वाली है, मौसम भी बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। और गर्मियां तो अल्हम्दुलिल्लाह दूर हो गई है। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। मेरी तहे दिल से दुआ है खुश रहे आबाद रहे। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर कीजिएगा और फैमिली मेम्बर के साथ दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। और ये नियाज जो है आप लोग भी अपने घर में बना के खैर और बरकत का नियत से दें और अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। और अल्लाह पाक आप सबकी नियाज जो करते हो अल्लाह पाक आप सबकी कबूल फरमाए। आमीन सुमा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे खीर है जो वो अल्हम्दुलिल्लाह पक चुकी है, पर लेकिन इनको थोड़ा सा मज़ीद और गाढ़ा करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी यम्मी और टेस्टी बनी है। और अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे आबाद रखे। और अल्लाह पाक आप सबके जो भी है जो भी मुझे भाई बहन देख रहे हैं अल्लाह पाक आप सबकी जो नंगर नियाज हैं अल्लाह पाक अपनी बारगाह इलाही में कबूल फरमाए। आमीन सुमा आमीन। आज आठ मुहर्रम है, तो आज 8 मुहर्रम पे हमने खीर बनाई है नंगर नियाज अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। आप लोग देख लीजिए, मैंने तकरीबन 5 लीटर दूध लिया था और तकरीबन मैंने 6 जो पैकेट मैंने खीर मिक्स के लिए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह इसको तकरीबन आधा घंटा हो चुका है, पर लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसको 10 मिनट मज़ीद और पकाऊंगा ताकि ये गाढ़ी हो जाए। बहुत ही टेस्टी यम्मी खुशबू आ रही है। और अल्लाह पाक दुआ करना मुझे भी और अल्लाह पाक खैर और बरकत डाले इस नंगर में,
खैर और बरकत दोनों। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। चलिए तो इनको तकरीबन 10 मिनट इनको और मज़ीद पकाते हैं ताकि ये गाढ़ी हो जाए हमारी जो खीर मिक्स है, बरकत और नियाज की जो है खीर। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी खीर है वो बिल्कुल रेडी है। 10 से 12 मिनट हो गए हैं, मैंने इनको मज़ीद गाढ़ा कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग देख लीजिए और बहुत ही यमी और टेस्टी बनी है अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी अपने घर में बना के और नगर न्याज के नियत के हिसाब से दीजिएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह आज 9 मुहर्रम और 10 है। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे और रोज़ा रखे और सवाब और जो है ना दुआ जो भी है सवाब हासिल कीजिए और रोज़ा रखिएगा आप लोग भी। और इंशाल्लाह मैं भी तैयारी करता हूँ रोज़े रखने की, नियत करता हूँ, तो आप भी नियत कर लीजिए। अपनी बास जो है वो बास ले अल्हम्दुलिल्लाह। जो रोज़े में बरकत है अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। और आप लोग देख लीजिए यहाँ पे हमारी जो खीर मिक्स है नंगर की न्याज वो बिल्कुल रेडी है। तो चलिए इनको डिश आउट करके आप लोगों को दिखाते हैं। आज की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर और कमेंट करके बताइएगा और फैमिली मेंबर के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना, फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।